हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप क्योंकि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग करेंगे क्लास सेकेंड हिंदी एनसीईआरटी बुक का पार्ट आठ, तितली और कली। तो कल मैंने आप लोगों को इसके शब्द अर्थ एंड प्रश्न उत्तर करवाए थे, आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प के सामने टिक का चिन्ह लगाइए। ठीक है, जो भी सही होगा इसमें से आपको उसके सामने टिक का चिन्ह लगाना है। क है, कली कहाँ लगी हुई थी? तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, कली कहाँ लगी हुई थी। फर्स्ट है सूखी डाल पर, सेकंड है हरी डाल पर। तो कली कहाँ लगी हुई थी? हरी डाल पर। ठीक है, तो इसके सामने हम टिक करेंगे। ख है, तितली ने कली से क्या आकर बोला? जब तितली कली के पास आई तो उसने क्या बोला? फर्स्ट है तुम भली लग रही हो, या सेकंड है तुम बेकार लग रही हो। तो उसने बोला तुम लगती हो बड़ी भली। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले के सामने टिक करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला सही है। ग है, तितली ने कली से क्या खोलने के लिए बोला? जब तितली कली के पास आई तो उसने क्या बोला कि क्या खोलो? फर्स्ट है आंखें, सेकंड है मुंह। तो तितली ने कली से क्या बोला? आंखें खोलने के लिए बोला, बोला था ना अब जागो तुम आंखें खोलो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाले के सामने हम टिक करेंगे। घ है, कली तितली की क्या बात सुनकर खुश हो गई? मतलब तितली ने ऐसा क्या बोला कि कली खुश हो गई उसकी बात सुन करके। फर्स्ट है सोने की, तो तितली ने कली से क्या बोला कि सोने चलो, या सेकंड है खेलने की, तो तितली ने कली से क्या बोला था कि अब मतलब कि खेलने चलो हमारे संग खेलो। ठीक है, तो ये वाला सेकंड वाला सही है, इसके सामने हम टिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सही विकल्प समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे सही गलत। प्रश्न है, सही कथन के सामने टिक का चिन्ह अथवा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, जो सही होगा उसके सामने आपको टिक लगाना है और जो गलत है उसके सामने आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है, फर्स्ट है हरी डाल पर एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। तो हरी डाल पर एक सुंदर सी कली लगी हुई थी, यह सही है, इसके सामने हम टिक करेंगे। ठीक है, सेकंड है तितली ने कली से आकर बोला तुम बहुत ही बेकार लग रही हो। ऐसे बोला था तितली ने कली से, ये तो ये बोला था उसने कि तुम बहुत ही भली लग रही हो। ठीक है, तो ये क्रॉस है, बेकार नहीं बोला था उसने उसको। थर्ड है तितली ने कली से आंखें खोलने के लिए बोला। हाँ, तितली ने कली से क्या बोला था? अब जागो तुम अपनी आंखें खोलो। ठीक है, तो ये क्या है? सही है, इसके सामने हम टिक लगाएंगे। फोर्थ है तितली की बात सुनकर कली छिटक कर खिल गई थी। जब तितली ने कली से क्या बोला कि अब खेलने चलते हैं, तो कली ये बात सुन करके छिटक गई थी एकदम से। ठीक है, ये तो सही है, इसके सामने हम टिक करेंगे। फिफ्थ है तितली कली को बंद करने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। तितली कली को मतलब कि तितली कली को बंद करना चाहती थी इसलिए उसके पीछे भाग रही थी, नहीं वो उसको मतलब खेल खेल रहे थे, उसको छूने के लिए उसे उसके पीछे भाग रही थी। तो ये क्या है? क्रॉस है, गलत है। ठीक है, बंद करने के लिए नहीं भाग रही थी वो उसके पीछे। अब प्रश्न है, दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। इधर शब्द लिखे हुए हैं और उसके सामने उसके अर्थ लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है? उनको उनके अर्थ से मिलाना है शब्दों को। महक, महक का मतलब क्या होता है? सुगंध, तो हम यहाँ मिलाएंगे उसको। संग मतलब क्या होता है? साथ में। ठीक है, नन्नी छोटी छिटककर खिलकर। ठीक है, भली का अर्थ होता है अच्छी, तो आपको समझ में आ गया होगा। महक सुगंध, संग साथ में, नन्नी छोटी छिटककर खिलकर भली अच्छी, तो आपको भी इनको ऐसे ही मैच करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो आपको क्या करना है? इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, और फिर आप इनको लर्न करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।